नमस्कार, रेसिपी मंत्रा में आप सबका स्वागत है। आज हम आलू और सूजी के क्रिस्पी पकौड़े बनाएंगे। ये बहुत ही जल्दी बनके तैयार हो जाते हैं, तो समय को बिना बर्बाद किए हुए इस रेसिपी को बनाना हम शुरू करते हैं। सब्सक्राइब बटन दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबा के मेरे वीडियोस को लाइक करें, और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें। दो बड़े आकार का आलू लिया है मैंने। आलू को छील के मैंने अच्छे से पानी में धो लिया है। अब हम आलू को कद्दूकस करेंगे। तो कद्दूकस करने के लिए हम बड़े छेद का इस्तेमाल करेंगे, बारीक वाले से हम इसे कद्दूकस नहीं करेंगे। यहाँ पे मैंने कच्चा आलू लिया है, ये उबला हुआ नहीं है। आलू को मैंने कद्दूकस कर लिया है। अब हम पकौड़े बनाने के लिए इसमें कुछ चीज़ों को ऐड करेंगे। एक बड़े आकार का कटा हुआ प्याज डाल देंगे। प्याज को हम लंबे आकार में बारीक काटेंगे। दो बारीक कटी हुई हरी मिर्ची डाल देंगे। एक चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे। हल्दी पाउडर डालने से हमारे जो पकौड़े का कलर है वो बहुत अच्छा आता है। एक चम्मच चाट मसाला डाल देंगे। चाट मसाला हमारे पकौड़े को एक बहुत ही अच्छा टेस्ट देगा। आधा चम्मच साबुत जीरा डाल देंगे। आधा चम्मच नमक डाल देंगे। नमक डालते समय एक बात का आप ध्यान रखें कि इसमें हमने चाट मसाला डाला है और चाट मसाला में भी नमक होता है। पकौड़े की अच्छी बाइंडिंग के लिए यहाँ पे हम सूजी डालेंगे। मैंने आधा कप सूजी लिया है। एक साथ हम सारा सूजी नहीं डालेंगे, थोड़ा सा सूजी हम बचा लेंगे। अगर हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी धनिया डाल देंगे और डाल के इन सभी चीज़ों को हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसका मिश्रण तैयार करने के लिए हम बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि आलू में नमी होता है और आलू से जो पानी निकलता है उसी से ये मिश्रण तैयार हो जाएगा। हमारे पकौड़े का बाइंडिंग अभी अच्छे से नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम बचे हुए सूजी को भी डाल देंगे और डाल के इसे मिला लेंगे। पकौड़े की बाइंडिंग के लिए मैंने सूजी का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो कॉर्नफ्लोर का या अरारोट के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिश्रण हमारा तैयार हो गया है। अब हम इसे ढक के 10 मिनट के लिए रख देंगे ताकि जो सूजी है वो अच्छे से फूल जाए। हमने इसमें सूजी का इस्तेमाल किया है, तो सूजी के फूलने के बाद ही इसके पकौड़े बनाए, नहीं तो जो पकौड़े हैं वो सही नहीं बनेंगे। 10 मिनट हो चुके हैं और हमारी सूजी अच्छे से फूल चुकी है। अब हम एक चौथाई चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डाल देंगे, क्योंकि हम पकौड़े बना रहे हैं और पकौड़े थोड़े तीखे ही अच्छे लगते हैं। लेकिन अगर आप तीखा खाना नहीं चाहते हैं तो आप लाल मिर्ची ना डालें। पकौड़े तलने के लिए हमारा मिश्रण तैयार है। मैंने एक पैन में तेल गरम कर लिया है। पकौड़ी को तलते समय तेल हमारा अच्छा गरम होना चाहिए। तेल हमारा अच्छे से गरम हो गया है। अगर आपको इस बात का अंदाजा नहीं है तो आप एक पकौड़ा डाल के चेक कर लें। इसे तलते समय गैस का आंच हम मीडियम रखेंगे। इसे हमें दोनों तरफ से अच्छा सुनहरा होने तक तल लेना है। हमारे पकौड़े एक तरफ से अच्छे सुनहरे हो गए हैं। अब हम इसे पलट लेंगे। आलू और सूजी के पकौड़े बहुत ही क्रिस्पी और स्वादिष्ट बनते हैं, लेकिन इसे बनाते समय बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखें कि सूजी को 10 मिनट के लिए फूलने के लिए रख दें ताकि वो अच्छे से फूल जाए। उसके बाद इस मिश्रण से आप पकौड़े बनाए बहुत ही स्वादिष्ट और क्रिस्पी पकौड़े बनके तैयार होंगे। हमारे पकौड़े दोनों तरफ से अच्छे सुनहरे हो चुके हैं और ये बनके तैयार है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। हमारे सूजी और आलू के क्रिस्पी पकौड़े बनके तैयार हैं। आप इन पकौड़े को अपनी मनपसंद चटनी या सॉस के साथ गर्मा गर्म सर्व करें। इस पकौड़े की रेसिपी को बनाते समय अगर आपको कोई भी परेशानी आए तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं जल्द से जल्द आप सभी के सवालों का जवाब दे सकूं। मेरी वीडियोस को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ रेसिपी मंत्रा में। तब तक के लिए बाय बाय।